तो विवादों के घेरे में मंत्री रेखा आर्या, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, 58 ग्राम पंचायतों में बनाए गए 61 क्वारंटीन सेंटर। डिजिटल इंडिया अभियान के पूरे हुए 6 साल, पीएम मोदी ने देहरादून के टैक्सी चालक से की बात, वन नेशन वन राशन कार्ड पर किया संवाद। नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने डॉक्टरों का जताया आभार, पीएम मोदी ने कहा डॉक्टरों ने पिछले 1.5 साल में दिन रात मेहनत करके कायम की मिसाल। वायुसेना के एयर स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर बोले आर्मी चीफ, ऐसे खतरों से निपटने के लिए विकसित कर रहे हैं क्षमताएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं शिवम यादव और अब शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। राज्य मंत्री रेखा आर्या और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बीच का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पद से हटाए जाने को लेकर लिखे गए पत्र के बाद विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद रेखा आर्या विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं। आपको बता दें कि 11 जून को राज्य मंत्री रेखा आर्या विकास भवन में अधिकारियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक कर रही थीं। तभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीटिंग के दौरान फोन कॉल रिसीव कर लिया, जिसको लेकर रेखा आर्या गुस्सा हो गई। उन्होंने डीएम को बैठक में ही प्रिंसिपल को प्रोटोकॉल समझाने की बात कही। बाद में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर प्रिंसिपल आरजी नोटियाल को हटाने के लिए कहा था। अजीब सी बात है, ये मामला कहां से उठा, क्यों उठा, और ये उठने की बात ही नहीं थी। ये तो बच्चों का जैसा खेल हो गया है। मैं ऐसे अधिकारी को मेरे द्वारा फिर से निर्देश दिया गया था कि अधिकारी प्रत्येक जनता का और हमारे जनप्रतिनिधियों का टेलीफोन सुने करके, तो मैंने नोटियाल जी हैं, यहाँ के प्राचार्य हैं, उनको टेलीफोन किया। अब समय तो मुझे 11-12 बजे के बीच में हुआ होगा। कोई हमारा मरीज यहाँ पर आया था, वो कह रहा था साहब हमको वहाँ भर्ती होना है, तो मैंने उसके लिए जानकारी लेनी चाहिए। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर नमस्कार है। नमस्कार के बाद उन्होंने कहा मैं अभी माननीय मंत्री जी की बैठक में बैठा हूँ। उनका ठीक है, ओके, बाद में बात कर लेंगे। मैं 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। अब इतना तूल उसको दे दिया, उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं थी। तो टेलीफोन का मामला, टेलीफोन अगर अधिकार ने उठाया तो वो ठीक है उठाना। वहीं बाजपुर में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के कार्यालय पर केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। अरविंद यादव ने बताया कि आज समाजवादी कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण करेंगे और उन्होंने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम सभी समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के दीर्घ आयु की कामना की है और साथ ही जन्मदिन मना के केक काट के जन्मदिन मनाया है। और हम इस कार्यक्रम के बाद जो जरूरतमंद लोग हैं। वह ऋषिकेश जिले के रहने वाले कांग्रेस नेता दीपक जाटव पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करवाया है। कांग्रेस नेता पर मुकदमा दर्ज कराए जाने को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला फूंका और नारेबाजी की। आपको बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता ने दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। मुकदमा दर्ज होने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता का आरोप है कि भाजपा की सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से सरकार की गलत नीतियों पर टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जो कि सरासर हिटलरशाही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार का दुरुपयोग कर रही है, अपने सत्ता में होने का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं पर लेकर नेताओं तक मुकदमा दर्ज कराने का जो झूठा काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। आरएसएस के एक व्यक्ति ने एक बलात्कार किया तो कांग्रेस के एक व्यक्ति ने उसको सोशल मीडिया पर दिखाने का काम किया। यदि उसने गलत दिखाया तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा कराता वहाँ से जिसके खिलाफ उसने लिखा था, ना कि देहरादून से बाकायदा व्यक्ति को बुलाया जाता है, रातों रात तहरीर ली जाती है और चुपचाप मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं
प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है कि रातों रात ऐसा देहरादून से व्यक्ति आके धोखा मदद करा के चला गया, ऋषिकेश का व्यक्ति होता तो मानते भी। वहीं गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीकि के काफिले पर हमले के बाद बाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर पंतनगर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं और बाल्मीकि समाज के लोगों ने किसान नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यूपी गेट पहुंचे, तभी स्वागत समारोह के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया, जिसमें अमित बाल्मीकि समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए। देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसमें खैर ये किसानों के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, किसान की आड़ में ये तमाम लोग हैं और सभी पूरा देश इस चीज़ को समझ रहा है कि ये गुंडागर्दी की जा रही है। इसमें कोई किसान नहीं है और किसान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, किसान के आड़ में यहाँ पर गुंडागर्दी और गुंडे असामाजिक तत्व और गुंडे तरीके के लोग जो हैं इस तरीके की बर्बरता से इस तरीके का हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, ये हिदायत देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अगर बाल्मीकि समाज पर अगर एक उंगली उठेगी तो ये बर्दाश्त बाल्मीकि समाज नहीं करेगा। आज पूरे देश प्रदेश का बाल्मीकि समाज एक है। वहीं किसान फसल बीमा सप्ताह के तहत प्रचार प्रसार के लिए चलाए जाने वाले किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार में बीडीसी कैडेट ग्राउंड जहां होता है वहां इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना एक बहुत बड़ा मुख्य विषय है, उन्होंने कहा है, जिसके लिए इस किसान रथ को जन जागरूकता के लिए यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान फसल बीमा सप्ताह के अंतर्गत इस किसान रथ को प्रचार प्रसार के लिए जन जन तक भेजा जाएगा, जिससे हर किसान तक ये संदेश पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके। वहीं प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर जिले भर के प्रधान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, ये बात चमोली की है। प्रधान संगठन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। प्रधानों का कहना है कि सरकार को अपनी हर धर्मिता को छोड़कर ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र काम करने दिया जाए, इसके साथ ही 15वें वित्त की धनराशि में कटौती पर रोक लगाई जाए और पहले की तरह कंटिजेंसी की राशि को 10% बढ़ाया जाए और रखा जाए। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के साथ ही सेवाकाल समाप्त होने के बाद 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की मांग की है। नानगढ़ मुख्यालय में ये प्रधान संगठन जो है पिछले वर्ष से ही अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं और यहाँ तक कि वो राज्य के जो राज्य मुख्यालय है देहरादून में भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो हमारी विभिन्न जो 12 सूत्री मांग हैं उस पर सरकार लगातार अनदेखी कर रही है और लगातार अनदेखी करने का कारण है कि प्रधान लोगों की कई समस्याएं हैं। उन्होंने आज भी ज्ञापन सरकार के लिए भेजा है और अभी जो जून महीना गया था उसमें भी ज्ञापन भेजा था और उन्होंने अल्टीमेटम चेतावनी दी थी कि अगर 30 जून तक हम उनके मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो 1 जुलाई से वो आंदोलन करेंगे और तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। तो आज 1 जुलाई को उन्होंने यहाँ पे विकासखंड मुख्यालय पे सर कर्मचारियों के जो ऑफिस हैं वहाँ पे तालाबंदी कर दी है। तो हमारे बीच जो प्रधान संगठन के पदाधिकारी लोग हैं हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या क्या कारण है, क्या 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 आपकी मांग है, क्या कहना चाहेंगे आप। जी धनेता जी, जिस प्रकार से कि पिछले कुछ वर्षों से 1 साल से प्रधान संगठन का धरना जो 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है उसके ही उसमें कि जैसे सरकार ने हमें 30 जून तक का समय दिया हुआ था कि 30 जून तक आपकी मांगों को माना जाएगा, इन पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो जो कि 30 जून तक के टाइम में जो कुछ नहीं किया गया तो फिर प्रदेश प्रधान संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में सारे 95 ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे हमने ब्लॉक में अभी तालाबंदी करी हुई है, सुबह से सारे प्रधान लोग अपनी उचित मांगों को लेकर के जो 12 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर के आज से तालाबंदी की गया है और धरना प्रदर्शन किया है जो हमारा फिलहाल 10 तारीख तक तो ऐसे ही चलते रहेगा। उसके बाद प्रदेश प्रधान संगठन द्वारा जो भी आदेश किया जाएगा उसके लिए सारे प्रधान लोग नारायणगढ़ विकासखंड से सारे प्रधान लोग तत्पर तैयार रहेंगे और धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से भी अपनी 12 सूत्र मांगों के लिए हम हर समय तत्पर रहेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। हम सब लोग जो आपकी जो 12 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रमुख बिंदु जो है आप कहेंगे 12 सूत्री मांगों में हमारा जो देखिए प्रमुख बिंदु है, सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं कि जैसे हर ग्राम पंचायत से 2500 रुपये प्रतिमाह CST सेंटर को दिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी तक मुझे लगता नहीं कि CST सेंटर के द्वारा गाँव में 1 रुपये का भी काम किया जा रहा हो। तो ये जो फ्री का प्रधान संगठन के लिए
सरकार के द्वारा आदेश आया हुआ है कि ये पैसा सीएससी सेंटर को जाएगा, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। ये आपका प्रधान संगठन के अध्यक्ष मनोज सत्री जी का कहना है कि जो सीएससी सेंटर हैं उनको प्रधान संगठन की ओर से प्रधानों के खाते से ग्राम पंचायत के खाते से प्रति माह 2500 रुपया दिया जा रहा है, जबकि प्रधानों का आरोप है कि प्रधान का मानदेय 1500 रुपया और जो सीएससी सेंटर के लोग हैं वो खाली बिना काम किए हुए ग्राम पंचायत में किसी तरह का भी जो काम नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के खातों से 2500 रुपया प्रति माह उनको दिया जा रहा है। तो प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो ग्राम पंचायतों का जो वित्त का पैसा है वो भी प्रधान लोगों ने अपने अभी वक्तव्य में यहाँ कहा कि उसका 50% जो है कि जल जीवन मिशन में खर्च करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, उसमें भी प्रधान लोग विरोध करें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आप बार बार हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का जो कार्य पत्रकारिता के माध्यम से करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज सरकार ने प्रधानों को एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते भी जिस प्रकार से एक मोहरा बंद रखे हैं प्रधान लोग, ये बड़ी समस्या है। सर्वप्रथम ये है कि जो जल जीवन मिशन में जो हमारा 15 वित्त का जो पैसा है उसे भी काट करके, सरकार की ऐसी मंशा है कि उसे भी काट करके जल जीवन मिशन के जल संस्थान या अन्य किसी विभाग को दिया जाए। इस प्रकार से हमारा अगर ये पैसा बार बार कटता रहेगा, हमने पिछली बार भी कई बार से उग्र आंदोलन हम करते रह रहे हैं, हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो आंदोलन हो रहे थे उनको लेकर के अभी तक भी सरकार ने किसी प्रकार के कोई भी मांगों को प्रधानों के स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार हमारा जो संगठन है ये आज हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम यहाँ पर अपना अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा कार्य कर रहे हैं और उनके साथ बने हुए हैं, और प्रदेश स्तर से जो संभल जी का आदेश आएगा प्रधानों के लिए उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। आगे भी यदि हमारा ये 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के कोई सकारात्मक निर्णय सरकार की ओर से नहीं लिया जाएगा तो 10 तारीख के बाद ये आंदोलन उग्र होगा। आपका कहना है कि अगर मांगों पर तुरंत अमल नहीं होता तो लगातार उग्र आंदोलन भी संभवतः प्रधान संगठन के द्वारा राज्य भर में किया जाएगा। एक प्रधान हमारे साथ और हैं, मैं आप इसे जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कतें हैं, असल में क्या दिक्कतें हैं, क्यों आप आंदोलनरत हैं? ये कोविड काल भी चल रहा है, इस कोविड काल में जहाँ तक सरकार का साथ लोगों को भी देना चाहिए था, लेकिन क्या सरकार आपका साथ नहीं दे रही है या आप या किस ढंग से आंदोलन करो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि तमाम अनियमितताएँ हैं प्रधानों के साथ, जैसे कि 1975 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 29 विभाग प्रधानों के अंतर्गत आते थे, आज वो तमाम विभाग कहीं ना कहीं नदारद हैं प्रधानों के देख रेख से, और कोई भी तमाम विभागों के तो बात ही छोड़े, हमारे पास केवल ग्राम्य विकास विभाग होता है तो जो उसके भी अधिकारी गण होते हैं वो भी प्रधानों की अनदेखी करते कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा अक्सर ब्लॉक में अगर उनकी अनदेखी ना होती तो प्रत्येक प्रधान को यहाँ पर तमाम जो अपनी कार्य योजनाएँ होती हैं वो खुद यहाँ पर आके चढ़ानी पड़ती हैं, तमाम मशरूल जनरेट खुद करने पड़ते हैं, तमाम FTO जो जारी होते हैं वो खुद करने पड़ते हैं, जबकि ये सारा काम प्रशासन का था और सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनका था, लेकिन उसके बाद भी प्रधानों को करना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो ये 29 जो विभाग थे, सबसे पहला प्रमुख मुद्दा था कि 29 विभाग जो संविधान संशोधन में था कि प्रधानों के अंतर्गत जो हस्तांतरित किए जाएँ जो प्रधानों के अंदर होने चाहिए, और तभी अगर ग्राम पंचायतों को देश को अगर सुसंगठित बनाना है तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों को सुसंगठित होना पड़ेगा और ग्राम प्रधानों को ही मजबूत करना होगा सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की वो मंशा है नहीं, तमाम प्रधानों को केवल मोहरा ही बनाया जा रहा है। तो अगर हमें एक वर्ष से हम लगातार आंदोलनरत हैं और निरंतर आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए। आप अपनी मांगों के लिए अपने अधिकारों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये आपका कहना है, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार की जो गतिविधियाँ हैं उसमें कंधा से कंधा मिला करके प्रधान और ग्राम पंचायत उनका साथ दे पाएं। तो वर्तमान में प्राइम टीवी के लिए चमोली नाथ। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टरों को उनके समर्पित सेवा भाव के लिए उनका शुक्रिया अदा करना। 2021 के नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड कोरोना वायरस से जोड़कर रखी गई है। बता दें कि पहला नेशनल डॉक्टर्स डे जुलाई 1991 यानी 1991 में मनाया गया था। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के डॉक्टर हिमांशु मिश्र का कहना है कि हम सभी इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये शायद हमारे जीवन का सबसे कठिन दौर है। डॉक्टरों के लिए ये सुनिश्चित करना और भी मुश्किल हो जाता है कि जो लोग संक्रमित हैं उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। डॉक्टर्स डे है आज 1 जुलाई को,
तो हम कोविड कॉल में डॉक्टर्स का काम थोड़ा बढ़ गया है, और लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें अपना सेवा ज़्यादा देने का लोगों को मौका मिला है, तो हमें इसमें अच्छा लगा, खुशी हुई। इसमें ये नहीं कि हमारे पर लोड बढ़ गया तो हमें इससे कोई परेशानी हुई, परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगा कि हमारा इतना। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए 58 ग्राम पंचायतों में 61 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी देखरेख के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड निगरानी समिति बनाई गई है। बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते ये कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन बाजपुर के आदेशानुसार विकासखंड बाजपुर के 58 ग्राम पंचायतों में 61 क्वारंटीन सेंटर विद्यालयों और ग्राम पंचायत भवनों में बनाए गए हैं, जिसकी देखभाल के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू और ग्राम प्रहरी को कोविड निगरानी समिति में शामिल किया गया है। तो वो एक तरीके से आइसोलेशन सेंटर हैं, अगर कोविड की तीसरी लहर अगर अपना प्रकोप फिर से दिखाएगी तो उनका उपयोग फिर से उसमें किया जाएगा। और हमारे विकासखंड बाजपुर में 61 केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को स्थायी संपत्ति के रूप में उपयोग किया गया है और इनमें उनको चलाए जाने का के लिए प्रस्तावित किया गया है, और इनमें जो भी सुविधाएं आगामी समय में आवश्यक होंगी वो स्थानीय कोविड केयर की जो समिति बनी हुई है, निगरानी समिति। वहीं बाजपुर में ही पानी के ट्यूबवेल पर नहाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोचड़ बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि ग्राम भटपुरी में लोकतंत्र सेनानी का बेटा ट्यूबवेल पर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां पड़ोस के लोगों ने नहाने को लेकर विरोध किया। विरोध करने को लेकर हंगामा शुरू हो गया और दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि दो पक्षों में नहाने को लेकर विवाद हो गया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल व्यक्ति का मेडिकल कराया है और मामला संगीन धाराओं में दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के साथ ही आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पर्सनल अपनी मोटर है, बच्चे गर्मी की वजह से अपने परिवार के साथ वहाँ कभी कभी नहाने धोने चले जाते हैं। इनका खेत मेरी दूर से लगभग 500 मीटर दूर पर इनका घर है, बीच में एक नाला भी है। ये इन लोगों की गुंडाई है, कई बार इन्होंने प्रयास किया लड़ने का, इनका काम ही लड़ने का है। मैं तो रात के 9 बजे करीब बच्चों को समझाने के लिए गया था कि आपस में झगड़ा ना हो जाए। उससे पहले मैंने बाजपुर चौकी में फ़ोन किया, थाना बाजपुर में फ़ोन किया, देहरादून फ़ोन किया, और मैं समझता हूँ दुर्भाग्य ऐसा है। हल्द्वानी में कोविड की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के दौरान शहर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। शहर में अवैध निर्माण की शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्राधिकरण की उपसचिव और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि व्यावसायिक निर्माणों के लिए प्राधिकरण नक्शा पास करने के बाद एक प्रारूप जारी करेगा, जिसमें नक्शा पास कराने की संख्या और स्थान का नाम दर्ज होगा, जिसे निर्माणकर्ता को प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की टीम द्वारा व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। उनके द्वारा प्राधिकरण के सभी जेई को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई करें। देखिए, पिछला जो हमारा लॉकडाउन की अवधि थी उसमें हल्द्वानी प्राधिकरण क्षेत्र में काफ़ी निर्माण की शिकायत आ रही थी कि बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है। इस क्रम में जो है लगातार हमारे वीसी साहब का, हमारे सचिव साहब का इनका निर्देश था कि इसमें कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा सारे जेई को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने एरिया में जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना नक्शा पास का निर्माण हो रहा है उसको तत्काल रोक दें, चालान की कार्रवाई करें, और वो हमारी सबसे अपील भी है कि आप लोग नक्शा पास कराएं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करें। और इसके अतिरिक्त जो कॉमर्शियल वाले हमारे जितने भी एरिया हैं उनके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है बोर्ड का, जिसमें नक्शा संख्या और स्थान का नाम आदि अंकित रहेगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये नक्शा पास है। कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हो रही हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट डीएम ने बताया कि घोटाले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महाकुंभ 2021 में हुए घोटाले के संबंध में जाँच चल रही है। महाकुंभ में हुई कोरोना जाँच घोटाले में मैक्स कॉरपोरेट सर्विस और नालबा लैब पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी जाँच के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं खानपुर के कस्बा लंठौरा में बुधवार की रात करीब 2 बजे अचानक एक ट्रक में आग लग गई। एक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रक का ज्यादातर हिस्सा जल गया। फिलहाल इस हादसे में किसी भी प्रकार से जनहानि नहीं हुई है। पथरी थाना इलाके के अंबुवाला गांव के पास स्थित ओम विहार कॉलोनी में पति पत्नी का शव मिलने से हकम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक जगदीश और पत्नी बबली मूल रूप से पिथौरागढ़ के निवासी हैं और आम विहार कॉलोनी में अपने मकान पर रहते थे। कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने पूरे दिन घर न खुलने की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा तोड़कर देखा तो पति पत्नी की गोली लगने से मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। लगभग 8:30 बजे रात में हमारे पास जो है सूचना मिली थी कि यहाँ जो पथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घर पे जो है 2 डेड बॉडी मिली है, फायर आर्म इंजरी लगी है उसमें। तो हम सब मौके पे पहुँच गए। ये मृतक का नाम जगदीश है और ये किसी महिला के साथ रह रहा था, इनके बीच में केस भी चल रहा है। और जो लक्सर जिले में स्थित नामचीन कंपनी जेके टायर के प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कर्मचारियों ने कंपनी के मेन गेट पर कंपनी प्रशासन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने मांग की है कि जब तक 3 साल का एग्रीमेंट सहित शर्तों पर नहीं किया जाएगा तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने कुछ कर्मचारी संगठनों को खरीद कर रात के 2:30 बजे एक एग्रीमेंट साइन करा लिया है, जिसमें कर्मचारियों को पूरी तरह बेच दिया गया है, जिसे किसी भी हाल में नहीं माना जाएगा। कंपनी के साथ हुए इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर नया एग्रीमेंट होना चाहिए। चाहूंगा कि हमारा एक तिरपन से समझौता होता है जो 3 साल के बाद होता है। फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ श्रमिक संगठनों को खरीद कर रात के 2:30 बजे ये एग्रीमेंट को सहमति करा ली है और कुछ श्रमिक संगठन अभी बाहर हैं, उसमें हम लोग भी हैं और 3,000 के 3,000 श्रमिक इससे सहमत नहीं है। खरीद फरोख्त का काम हुआ है। मैं अपनी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से ये कहना चाहूंगा, अगर मेरी ये वीडियो वहां तक पहुंचेगी कि यहां का संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग इसी गेट पर आत्मदाह तक भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। जीएसटी को लागू हुए आज 4 साल पूरे हो गए। देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। हालांकि जीएसटी का संग्रह पिछले कुछ महीनों में 1,00,000 करोड़ से ऊपर चला गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार टैक्स नेट का विस्तार नहीं कर पा रही है, इसलिए टैक्स कलेक्शन में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए तब आपको समझ में आएगा। जीएसटी के 4 साल हुए पूरे। जीएसटी को लागू किए आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 30 जून 2017 ये वो तारीख थी जब देश के टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया। देश में टैक्सेशन की नई व्यवस्था जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी रोल आउट के कर्ता धर्ता थे। जीएसटी ने पिछले कुछ महीनों से देश को अच्छा राजस्व दिया है, लेकिन इसकी पूर्ण क्षमता का दोहर बाकी है। जीएसटी को लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को पास किया था। सरकार ने इस टैक्स पद्धति के लागू होने की ऐतिहासिक तारीख 1 जुलाई 2017 तय की थी। इस नई प्रणाली से वैट, एक्सरसाइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए। जीएसटी के अंदर छूट। छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया। इसके अलावा वैसे बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ था, उन्हें कंपोजिशन स्कीम के तहत मात्र 1% टैक्स जमा करने की छूट गई। जबकि वैसे सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर 50 लाख था, उन्हें मात्र 6% टैक्स अदा करने की
छूट दी गई। 4 साल बीत जाने के बाद कई नागरिक 12% और 18% के इन दोनों स्लैबों को एक जीएसटी दर में विलय करने का सुझाव दे रहे हैं। दरअसल जीएसटी में 12% और 18% स्लैब के तहत दो स्लैब को मर्ज करने की योजना कई महीनों से लंबित है। वहीं लोकल सर्कल्स की ओर से किए गए एक सर्वे में लोगों ने इन दोनों स्लैब को एक किए जाने की बात कही है। जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी। जब देश में जीएसटी लागू किया गया तो राज्यों और केंद्र के बीच फंड के बंटवारे को लेकर सहमति थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान इसे लेकर राज्यों में खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्य और केंद्र की सरकार के बीच जमकर बयानबाजी हुई है। हालांकि जीएसटी का संग्रह पिछले कुछ महीनों से 1,00,000 करोड़ से ऊपर ही रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकार टैक्स नेट का विस्तार नहीं कर पा रही है, इसलिए टैक्स कलेक्शन में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 2019 से 2020 में जीएसटी में केंद्र की हिस्सेदारी मात्र 3.5% बढ़ी। कोरोना साल यानी कि 2020 से 2021 में इसमें 7.9% की गिरावट हुई। वहीं जीएसटी लागू होने के 4 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण ने इस सिस्टम की तारीफ की है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।